हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिराशे। आज फायर इंश्योरेंस का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, पिछले लेक्चर के अंदर भी आपने अभी ऑलमोस्ट 7-8 सम कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में हम नया क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में हम पुराना ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल भर का बनाएंगे और इसके बेसिस के ऊपर जब आग लगेगा तो जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनता है वो बनाएंगे। पिछले सम में देखो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिया था, जो हमने पिछला 2 सम किया उसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ओपनिंग इधर का क्लोजिंग था, वो इधर का ओपनिंग बना था, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज के बेसिस हमने सॉल्व किया था, वो क्वेश्चन में दिया था। पिछले जो 2 सम किए थे उसमें क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिया था। आज हमको ट्रेडिंग अकाउंट पहले प्रिपेयर करना है और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आपको आग लगने वाला, तो इसके साल के बाद ही, मतलब इसका जो ईयर एंड होगा इसका ओपनिंग होगा और बीच में इस साल में कहीं ना कहीं आग लगने वाला है। इसलिए यहाँ पे 2 ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बनाया, एक नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट साल भर का और एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब से कब तक का, नए साल से स्टार्ट होके जब तक आग लगा है उस टाइम के पीरियड का। क्लियर है? तो 2 सम आज हम वही कवर करने वाले, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 259 सम नंबर 14 एंड टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 260 सम नंबर 15। क्लियर है? ये 2 सम हम लोग सॉल्व करने वाले, जिसमें आप देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। दिया है ऑन 18th ऑफ अक्टूबर 2014 द प्रीमाइसेस ऑफ मिथिला वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर बट सफिशिएंट रिकॉर्ड्स वेयर सीन फ्रॉम व्हिच द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वेयर फाउंड। स्टॉक ऑन 1st अप्रैल 2013, स्टॉक ऑन 31st मार्च 2014, परचेज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2013-14, purchase for the financial year 13-14, sorry, sales for the financial year 13-14, purchase from 1st April 14 to 18 October, sales from 1st October to, sorry, 1st April to 18 October. आप अगर ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को, यहाँ पे 1st April से 31st मार्च तक का इंफॉर्मेशन दिया है और एक अप्रैल से अक्टूबर तक का इंफॉर्मेशन दिया है, बराबर है? 1st April 2013 दिया है। देखो, अगर मेरा साल 1st अप्रैल 2013 में चालू हुआ है तो वो एंड कब होगा? 31st मार्च 2014 को। तो ये मेरा एक फाइनेंशियल ईयर है, मतलब 12 महीने का हिसाब किया, तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी दिया है। मार्च में साल खत्म होगा तो नया साल चालू होगा 1st अप्रैल 2014 को, इस तारीख से लेके अक्टूबर 18 तारीख तक का इंफॉर्मेशन दिया है। तो इससे हम बनाएंगे मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और इससे तो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। अरे बात समझा गया, मतलब आपका ट्रेडिंग अकाउंट कौन से ईयर एंड के लिए बनने वाला है? 31st मार्च 2014 के लिए बनने वाला है। और मेमोरेंडम कौन से पीरियड के लिए बनने वाला है? 1st अप्रैल 2014 से लेके 18 अक्टूबर 2014 तक के लिए बनने। अरे बात समझाइए पक्का? तो जो 1st अप्रैल से लेके 31st मार्च तक का इंफॉर्मेशन है वो इधर आएगा और 1st अप्रैल से 18 अक्टूबर तक का इंफॉर्मेशन है वो इधर आएगा। देखते हैं अपने को क्या क्या दिया। तो स्टॉक दिया 1st अप्रैल 2013 का, मतलब वो कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक है तो डायरेक्टली ओपनिंग स्टॉक कितना है? 67,200। समझ में आया क्या? उसके बाद दिया स्टॉक ऑन 31st मार्च, कितना दिया है? 99,000, बराबर है? 99,000 मैंने ली। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या दिया? उसके बाद दिया परचेज फॉर द फाइनेंशियल ईयर, कितना दिया है? 8,38,800। उसके बाद सेल्स दिया है फाइनेंशियल ईयर का, कितना दिया है? 10,20,000। फिर क्या दिया है? फिर दिया है परचेज फ्रॉम अप्रैल, मतलब ये वाला परचेज है अप्रैल से अक्टूबर तक का परचेज है ना, तो कितना है? 90,000। नेक्स्ट उसके बाद सेल्स कितना है? 5,19,000। ओके, होता है कितना इंफॉर्मेशन दिया था, ये तो फिल करना बहुत सिंपल था, फॉर्मेट बनाया था, खाली अमाउंट लिख दिया। पैराग्राफ में क्या दिया जरा, स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एट 31st मार्च 2014 बोले तो क्लोजिंग स्टॉक के रिलेटेड कोई बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट ऑन 31st मार्च 2014 वाज वैल्यूड एट
10% अबाउ द कॉस्ट, मतलब जो भी तुमने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू लिखा है ना वो 10% ज्यादा लिखा है। जब ज्यादा लिखा तो कम तो करना ही पड़ेगा, मतलब क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है कि ये जो 99,000 रुपीज का स्टॉक है ये 100% नहीं है, ये 10% अबाउ द कॉस्ट है, मतलब 110% है। जब ये 110% है मुझे तो 100% ही लिखना है, आया नहीं तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 99,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110। मेरी बात समझा? 9000 का 90,000, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 99 नहीं आएगा, 90,000 एक इफेक्ट इधर, दूसरा बैलेंस शीट में वो तो आपने पता है, सोचना नहीं है। बात समझा यहां तक? और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मालूम है, जो इस साल का क्लोजिंग है वो आने वाले साल का ओपनिंग है। इसका मतलब अगर आप 99,000 इधर लिखते तो इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट होता सेम वाला, बट हमने डायरेक्टली 90 उधर कर दिया है तो हम इधर भी 90,000 ही लिखेंगे। अंडरस्टूड? चलिए ठीक है, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है, ड्यूरिंग मे 2014 मतलब इस टाइम में कुछ तो हुआ है, क्या हुआ, कुछ डाउट है तुम लोग को? नहीं, ठीक है। यहाँ पे मे मतलब अप्रैल के बाद मे आने वाला 2014, इस साल में क्या हुआ है, ड्यूरिंग मे 2014 मिथिला हैड विड्रॉन गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000। मिथिला कौन है? पार्टनर, मालिक है। उसने 25,000 का गुड विड्रॉ किया है, गुड विड्रॉ किया मतलब गुड आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। अब वो ऊपर आएगा कि इधर, इधर आएगा क्योंकि मे मतलब इधर ही आने वाला है। तो बाय ड्रॉइंग्स, कितने का ड्रॉइंग किया? 25,000। टेक्सटबुक में अगर परचेज से माइनस कर रहे तो कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने पिछले समय भी बोला है, अगर आपके टेक्सटबुक में माइनस ड्रॉइंग इधर लिखा है तो आपको जरूरी नहीं कि ऐसा ही लिखने का, ड्रॉइंग नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है देखते हैं, पॉलिसी अमाउंट वॉज 1,20,000, क्या बात है, पॉलिसी अमाउंट मिल गया 1,20,000। फिर क्या दिया, स्टॉक सैलवेज वॉज 29,000, सैलवेज वैल्यू इधर मिल गया। सैलवेज वैल्यू का काम क्या है भाई, क्लोजिंग स्टॉक जैसे ही मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक जैसे ही मिलेगा उसमें से माइनस करेंगे हम सैलवेज वैल्यू, बराबर है, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे सैलवेज वैल्यू डायरेक्टली लिख देता हूँ 29,000, बाद में देखेंगे क्या आगे। सो द अमाउंट वी क्लेम टू बी लॉस्ट इन द इंश्योरेंस कंपनी, खत्म, और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब अगर मैं ऊपर वाली बात करूं तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मालूम है, तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करूंगा, और जैसे इधर ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा तो इधर भी ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, और इधर ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा तो क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा, इधर क्लोजिंग स्टॉक तो मालूम ही है भाई, इधर क्लोजिंग करना पड़ेगा 10,20,000, इधर कुछ नहीं है 8,38,800, ये साइड का टोटल ज्यादा है 11,10,000, सेम अमाउंट लिखेंगे 11,10,000 में माइनस करेंगे तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 2,04,000 पक्का। इस साल मैंने 2,04,000 कमाया है तो मैं इसका परसेंटेज निकालता कैसे, तो मैंने सेल्स कितना किया था 10,20,000, बराबर है। तो अगर सेल्स बाय डिफॉल्ट 100% है तो ये सेल करके मैंने कमाया 2,04,000, तो वो कितना परसेंट कमाया, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तो सेल से रिलेट होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2,40,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 10,20,000 इज इक्वल्स टू 20%, ठीक है। हमने कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया, 20%, तो अगर इस साल 20% था तो आने वाले साल में भी जीपी 20% ही रहेगा। तो यहाँ पे 2 ग्रॉस प्रॉफिट किसका निकालोगे, 5,19,000 का, तो 5,19,000 का कितना परसेंट, 20%, तो 5,19,000 20% कैलकुलेट करो, 1,03,800, जीपी समझ में आ गया, जीपी मिल गया, बाकी सभी तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, 90,000 प्लस 495,200 प्लस 1,00,000, 6,89,000 पक्का, वेरी गुड।
6,89,000 में ये पूरा माइनस करोगे तो जीबी मिल जाएगा 1,45,000। क्लोजिंग स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट है क्या इस साल? पिछले साल की क्लोजिंग स्टॉक पे एडजस्टमेंट था 10% अबाउ द कॉस्ट, वो पिछले साल का था। इस साल की क्लोजिंग स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं बोला है, मतलब कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। बाकी डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक 1,45,000 माइनस करेंगे 29,000 तो लॉस मिल जाएगा। कितना है? 1,16,000। क्या अब मैं क्लेम की बात करूंगा तो क्लेम प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है? 1,45,000 इनटू लॉस कितने का है? 1,16,000। क्लियर है? क्लेम इज इक्वल टू 96,000। बात समझा? पक्का समझ में? देखो सम डिफिकल्ट नहीं है, अगर फायर इंश्योरेंस को ध्यान से करोगे तो ऑलमोस्ट सारे सम सिमिलर मिल रहे हैं। क्लियर? पक्का? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, मतलब अपने लिए सम नंबर 10 होगा सर के हिसाब से। अ फायर अकर्ड इन अ प्रीमाइसेस ऑफ मिस्टर राजेंद्र ऑन 15th October 2015 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्टेन द लॉस ऑफ स्टॉक एंड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम टू बी लॉज्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पे स्टॉक दिया 31 मार्च 2013 का, फिर स्टॉक दिया 31 मार्च 2014 का, फिर परचेज 13-14 का दिया है, सेल्स 13-14 का दिया है, परचेज अप्रैल से 15 अक्टूबर का दिया है, सेल्स अप्रैल से 15 अक्टूबर का दिया है। स्टॉक ऑन 31 मार्च, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि पिछले सम में अभी जो हमने किया उसमें सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट था, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट। पहले तो डेट देख लेते हैं, तो डेट की अगर बात करूं तो मुझे दिया 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2014, तो ये कहीं ना कहीं 1 अप्रैल 2013 हो सकता है ना। तो ये अप्रैल से मार्च मतलब ये 12 महीने का हिसाब है, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो 31 मार्च का क्लोजिंग तो इसका ओपनिंग बन जाएगा, है ना आर्यन? बराबर। और 1 अप्रैल 2014 में साल खत्म हुआ, 31 मार्च में तो अप्रैल में चालू होगा और ये फायर लगने वाला है 15 अक्टूबर 2014। तो ये आपका बनेगा मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में चलेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 और ये आपका बनेगा 1 अप्रैल से लेके 14 से लेके 15 अक्टूबर 2014। ठीक है, होपफुली इतना क्लियर है। ओके, चलिए पोस्टिंग करते हैं। स्टॉक 31 मार्च, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट देखते हैं? स्टॉक ऑन 31 मार्च 2013, 2013 का जो स्टॉक है इसके ऊपर एडजस्टमेंट, मतलब ओपनिंग स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है। क्या है एडजस्टमेंट? स्टॉक ऑन 31 मार्च 2013 वॉज वैल्यूड एट 90% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। इन शॉर्ट, जो भी तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक है उसका कीमत कितना लिखा गया है? 90%। अपने को कितना परसेंट चाहिए रहता है? 100%। इसका मतलब 10% कम है, अंडर वैल्यू है, तो अपने को 10% ऐड करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा जो भी मेरा ओपनिंग स्टॉक है कितना है? 1,98,000। ये कितना परसेंट है? 90% है। मुझे कितना परसेंट चाहिए? 100% चाहिए, मतलब 10% ऐड हो जाएगा उसके अंदर। तो 1,98,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 90 व्हिच इज इक्वल्स टू 2,20,000। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 1,98,000 नहीं आएगा, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 2,20,000। पहला एडजस्टमेंट डन। उसके बाद दिया है एंड 31 मार्च 2014 वॉज वैल्यूड एट 10% अबाउ द कॉस्ट। भाई 31 मार्च 2014 इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट दिया, मतलब इस साल का क्लोजिंग तो इस साल का ओपनिंग बनेगा। अगर हमने इधर ही एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिया तो इधर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर का क्लोजिंग तो इधर का ओपनिंग बाय डिफॉल्ट को एडजस्टमेंट हो जाएगा। समझाइए? चलिए ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक इस साल का कितना है? देखो 31 मार्च क्लोजिंग कितना है? 2,42,000। अब ये वैल्यू कितना है? 110% है। क्यों? क्योंकि सर 10% ज्यादा है। तो अगर ये 110% है तो 100% कितना आएगा? तो 2,42,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 कितना? 2,20,000। मतलब इधर का क्लोजिंग स्टॉक है 2,20,000। पक्का? इधर का क्लोजिंग तो इधर का ओपनिंग 2,20,000।
पक्का है ना, चलिए होपफुली आप राइट हो। अब और कोई एडजस्टमेंट है क्या? सैलवेज वैल्यू दिया है 35,600, पॉलिसी वैल्यू दिया है 2,00,000, क्लेम फाइंड करना है, मतलब पॉलिसी वैल्यू इधर मिल गया है 2,00,000 रुपए, वेरी गुड, प्रॉपर्टी वैल्यू फाइंड करना है, और क्लोजिंग स्टॉक में क्या माइनस करोगे? सैलवेज वो दिया है कितना? 35,600। ये समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब अपना प्रोसेस क्या है भाई, जो रिमेनिंग चीजें उसको पोस्ट करना है, तो स्टार्ट करेंगे। परचेज दिया है कितना? 640। कोई रिटर्न है नहीं तो डायरेक्टली में लिख लेता हूँ 6,40,000, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सेल्स दिया है कितना है? 8,00,000। डायरेक्टली आउटर कॉलम में 8,00,000 माइनस रिटर्न करके 8,00,000, सेम आपको इसके लिए भी करना है परचेज के लिए। नेक्स्ट उसके बाद दिया है परचेज अप्रैल से 15 अक्टूबर, मतलब इसका है परचेज कितना दिया है? 6,00,000। कोई रिटर्न तो है नहीं, डैश 6,00,000। इसी का सेल्स भी दिया है कितना दिया है? 7,58,000। क्या 7,58,000? कोई रिटर्न नहीं है, 7,58,000। और कुछ है क्या? नहीं सर। अब अपने को क्या फाइंड करना है? पहले इधर का ग्रॉस प्रॉफिट, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा उससे परसेंटेज निकालेंगे, और वो परसेंटेज से इधर जीपी निकालेंगे तो इधर का क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट क्लेम मिलेगा, समझा? चलिए फिर इधर का क्लोजिंग कर लेते, 10,20,000, 10,20,000, 10,20,000 माइनस करेंगे 8,60,000, क्या बात, ये समझा आपको? तो ये जीबी मिल गया टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब सेम इसका परसेंटेज निकाल, पहले सेल्स कितना था? 8,00,000। तो अगर ये सेल्स 8,00,000 100% वैल्यू है तो इसमें मैंने कितना कमाया? 1,60,000 कमाया, तो वो कितना परसेंट कमाया? समझ में आया क्या? 1,60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8,20,000 विच इज इक्वल टू 20%। बात समझ में आया क्या? देखो ना, 5,0 इधर से 4 और 1 5, 8 1 जाए टू द 20%, तो 20% हमने कमाया, तो इधर भी हम लोग का जीपी सेम रहेगा, तो 2 जीपी कितना आएगा? जीपी 20% किसका? 7,58,000 इंटू 20% कितना आ रहा है? 1,58,600 बराबर है। अब सब मिल गया है तो क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा 9,71,600 उसमें 758 माइनस कर दो 2,13,13,600 क्या मिल गया आर्यन? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मिल गया मतलब सैलवेज निकालेंगे 2,30,600 माइनस 35,600 तो लॉस मिलेगा कितना है? 1,78,000 ये मिल गया। तो प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है? 2,30,600 इंटू 1,78,000 विच इज इक्वल टू 600 इधर 600 है, 2,00,000। अच्छा इधर ठीक है, इसका आंसर 1,66,667 पॉइंट में आ रहा है। बात समझ में आया क्या? पक्का होपफुली आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।